नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपको प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा। दोस्तों क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको कुछ समीकरण दिया गया है और आपसे कहता है कि गुणनखंड विधि के द्वारा इसे आपको हल करना है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसे सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात बताऊंगा, ठीक है, आप उससे अच्छे से याद कर लेना। देखिए फर्स्ट इनटू लास्ट, यानी फर्स्ट गुना लास्ट, फर्स्ट आपका ये है और लास्ट आपका ये है। फर्स्ट गुना लास्ट आपको सबसे पहले कर देना है। फर्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, गुना लास्ट है आपका माइनस 10, ये आपका लास्ट है। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुना माइनस 10 आपका हो जाएगा माइनस 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां तक क्लियर हुआ, अब आप मेरे बातों को ध्यान से समझिए। देखिए आपको ना यहां पर दो ऐसी संख्या के बारे में सोचना है, जब उस संख्या को गुना करेंगे तो आपका माइनस 10 आएगा। ठीक है, लेकिन जब उस दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो आपका यहां पर माइनस 3x आना चाहिए। ठीक है, फिर से सुनिए, आपको दो संख्या के बारे में सोचना है। ठीक है, जब आप उन दोनों को गुना करेंगे तो आपका माइनस 10x स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन जब आप उन दो संख्या को जोड़ेंगे तो आपका ये जो बीच में है माइनस 3x ये आना चाहिए। दोस्तों अगर आप उन संख्याओं के बारे में सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो आप इस 10 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। यहां पर देखिए 10 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से 2 पंचे 10, देखिए 2 और 5 आया। दोस्तों आपके सामने दो संख्या है 2 और 5। दोस्तों यहां से आप एक 5 ले लीजिए और एक माइनस 2 ले लीजिए, ये 5 5 एक्स लिख दिए और 2 के यहां पर माइनस 2 एक्स ले लिए। दोस्तों 5 गुना माइनस 2 क्या होगा, माइनस 10 होगा। ठीक है, एक्स गुना एक्स आपका एक्स स्क्वायर हो गया। जब आप माइनस यहां पर 5x में माइनस 2x करते हैं आपका माइनस 3x हो जाता है, मतलब ये जो आपका संख्या है 5x और माइनस 2x यही वह संख्या है। ठीक है दोस्तों, आपका जो बीच में माइनस 3x है, अब इसे आपको नहीं लिखना है, इसके बदले में आपको 5x माइनस 2x लिख देना है। ठीक है, यहां पर देखिए आप एक्स स्क्वायर है इसको लिख दिए और यहां पर प्लस 5x माइनस 2x लिख दिए। इन ये देखिए 3x जो है इसके बदले में 5x माइनस 2x लिख दिए, माइनस 10 है माइनस 10 लिख दिए, बराबर आपका 0 है, 0 दे देंगे। ठीक है, बाकी इन सब चीजों का कोई काम नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें समझने वाली बातें थे जो आपने समझ लिया। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, आगे आपको कॉमन लेना है। यहां पर देखिए आपको इस दोनों में और इस दोनों में जो चीज मिल जाए उसको कॉमन लेना है। देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 5x है। दोस्तों कौन सा ऐसा चीज है जो एक्स स्क्वायर में भी है और 5x में भी है। देखिए एक्स स्क्वायर यानी यहां पर 2x है। ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब 2x है,
और यहाँ पर आपका एक तो एक्स है, यहां से आपका एक एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स आपका कॉमन आ गया। इसके बाद ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि दोनों में है, तब क्या करेंगे? देखिए इस एक्स स्क्वायर में यानी दो टू एक्स है और इसमें से एक एक्स आपका कॉमन आ चुका है, बचा एक एक्स, उसको आप लिख दीजिए, ठीक है, प्लस है, प्लस देंगे। दोस्तों ये वाला एक्स जो है ना, ये कॉमन आ चुका है, तो यहां पर आपका पांच बचा है, पांच आप यहां पर लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए माइनस दो एक्स माइनस दस, दोस्तों ऐसी कौन सी चीज है जो कि इसमें भी है और इसमें भी है? देखिए यहां पर x है लेकिन यहां पर x नहीं है, मतलब x आपका कॉमन नहीं आएगा। देखिए यहां पर दो है, दोस्तों क्या 10 में दो है? जरूर है। यहां पर देखिए 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब यहां पर 10 में आपका 2 छुपा हुआ है, तो आप यहां पर 2 जो है कॉमन ले सकते हैं। 2 आपका यहां पर भी है और 2 इसमें भी है ना, यहां पर 2 × 5 यानी 2 है, तो यहां पर आप -2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। दोस्तों जब आप -2 कॉमन लेते हैं यहां पर क्या बचेगा? यहां पर आपका एक्स बचेगा, ठीक है, एक्स हम लिख दिए। अब देखिए ये जो 10 था, 10 बराबर 2 × 5 है, ठीक है, 2 आपने कॉमन ले लिया है, 2 आपने कॉमन ले लिया है, बचा क्या है? बचा आपका 5 है, यहां पर 5 लिख देंगे। फिर यहां पर क्या होगा? यहां पर प्लस होगा या माइनस होगा? देखिए यहां पर आपका प्लस होगा, क्योंकि जब आप गुना करेंगे -2 + 5 आपका -10 आएगा, ठीक है। जब आप गुना करेंगे -2 × x आपका -2x आएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और बराबर आपका 0 है, 0 लिख दीजिए। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए दोस्तों ये जो ब्रैकेट में है, ठीक है, ये जब एक ही चीज आए ना तो समझिएगा आपका क्वेश्चन सही है। यहां पर x प्लस 5 है और यहां पर भी x प्लस 5 है, दोनों में है, मतलब आपका क्वेश्चन सही बन रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे दोस्तों, ब्रैकेट के बाहर जो चीजें हैं, ठीक है, उसको ना आप सबसे पहले ले लीजिए। ब्रैकेट के बाहर आपका है x है और -2 है, ठीक है, ये x और ये -2, इसको आप पहले ले लीजिए, आपका हो जाएगा x -2, आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब देखिए यहां पर जो है दो ठो ब्रैकेट है ना, दो ब्रैकेट है, इसमें से आपको सिर्फ एक ब्रैकेट लेना है, तो आपको यहां पर x प्लस 5 है, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है, आपको यहां पर सिर्फ एक ब्रैकेट लेना है, हो गया, बराबर आपका 0 है, 0 लिख दिए, यहां तक कंप्लीट। अब देखिए लिखेंगे अब, ठीक है, अब x -2 है, ठीक है, और x प्लस 5 है, दोस्तों यहां पर आपका x -2 बराबर 0 है और x प्लस 5 बराबर भी 0 है, हम लिखेंगे x -2 बराबर 0। दोस्तों जब ये 2 उस पार जाएगा तब क्या होगा? तो प्लस 2 हो जाएगा, तो प्लस हम नहीं लिखते हैं, यानी x का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। एक और है आपका x प्लस 5 है, x प्लस 5 बराबर 0 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 5 बराबर की उस पार जाएगा, x बराबर -5 हो जाएगा। दोस्तों आपका आंसर 2 और -5 आ चुका है, ठीक है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए 2x² + x - 6 = 0, इसको लिख देते हैं 2x² + x - 6 = 0, ठीक है। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट गुना लास्ट, फर्स्ट आपका 2x² है और लास्ट आपका -6 है,
तो 2x स्क्वायर गुना माइनस 6 × 12 माइनस 12x स्क्वायर आपका आ गया। अब आपको दो संख्या के बारे में सोचना है, जब हम उस दोनों को गुना करेंगे आपका माइनस 12x स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन जब हम उन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो आपका x आना चाहिए। ठीक है, अगर आप सोच पा रहे हैं अच्छी बात है, अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, गुणनखंड निकाल लेना है। यहां पर देखिए 12 है, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 2 × 2 = 12, 2 × 3 = 6। देखिए दोस्तों आपको दो संख्या लेना है, लेकिन यहां पर आपका तीन संख्या आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए इन तीन संख्या से आपको दो संख्या बनाना है। ठीक है, 2 × 2 = 4, 1 = 4 हो गया, दूसरा आपका 3 हो गया। ठीक है, तो 4x और 3x। ठीक है दोस्तों, इसमें आप माइनस ले लीजिए, माइनस। ठीक है, 4 × 3, 4 × −3 माइनस 12 आपका हो गया x × x, x² यहां। ठीक है, अब देखिए 4x में जब आप −3x करेंगे आपका हो जाएगा x, ये x आपका यहां पर है, मतलब ये दोनों संख्या आपका सही है, 4x और −3x आप ले लीजिए, ये जो आपका x है। अब आपको यहां पर जो है 4x − 3x लिख देना है। देखिए 2x² लिख दिए प्लस 4x − 3x − 6 = 0 हमने लिख दिया, यहां तक कंप्लीट हुआ। दोस्तों आगे आपको क्या करना है, आगे आपको कॉमन लेना है। ठीक है, देखिए दोस्तों इस दोनों में और इस दोनों में, सबसे पहले आइए इस पर ध्यान दीजिए, इस दोनों में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दोनों में है। देखिए सॉरी यहां पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यानी 2x है, यहां पर आपका 1x है, कम से कम 1x आपका कॉमन आ रहा है, एक्स हम कॉमन ले लिए। ठीक है, यहां 2 है, यहां 4 है, दोस्तों क्या 4 में 2 छुपा है। देखिए 4 को हम लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, यानी यहां से 4 से आपका 1 × 2 जो है कॉमन आ रहा है, तो 2 और यहां पर 2 मतलब आपका यहां पर 2 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 2 आपका कॉमन आ चुका है और 1x आपका कॉमन आ चुका है, बचा क्या है आपका 1x आपका बचा है, उसको लिख दिए। ठीक है, x आपका कॉमन आ चुका है और इस 4 में से आपका 1 × 2 कॉमन आ चुका है, बचा क्या, बचा आपका 1 × 2 बचा है, उसको हम लिख देंगे, यहां पर लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अब इसमें देखिए कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में है, x यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, आपका x कॉमन नहीं आएगा। देखिए 3 है और यहां पर 6 है, दोस्तों क्या 6 में 3 छुपा है। देखिए 6 को हम लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, यानी 6 में आपका 3 छुपा है, इस 3 को हम कॉमन ले लेंगे, यहां पर हमने −3 कॉमन ले लिया। ठीक है दोस्तों, −3 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, x बचा है, इसको हम लिख दिए। ठीक है, यहां पर आपका प्लस होगा, दोस्तों 6 में से आपका यहां पर 3 जो है इसको कॉमन ले लिए हैं, बचा क्या, 2 बचा है, 2 को हम लिख दिए। ओके, बराबर आपका यहां पर 0 हो जाएगा, यहां तक कंप्लीट। अब देखिए ब्रैकेट के जो बाहर है, ब्रैकेट के जो बाहर है उसको आप ले लीजिए, 2x है इसको ले लिए, −3 है ना ब्रैकेट के बाहर, −3 हमने ले लिया। ठीक है, यहां पर आपका 2x − 3 आपका आ गया। अब जो ब्रैकेट में है, ठीक है, उसमें से आपको सिर्फ 1 लेना है, तो हम x + 2 ले लेते हैं, ले लिए,
हो गया हमारा काम खत्म। अब क्या करना है, अब आपको मूल निकाल देना है। 2x-3 बराबर 0, ठीक है। 2x बराबर क्या होगा, ये 3 उधर जाएगा तो 3 हो गया प्लस 3 में, और x बराबर आ जाएगा 3/2, आपका यहां पर x बराबर आ चुका है, ठीक है। अब आप इस पर ध्यान दीजिए, x प्लस 2 है बराबर 0, ये 2 उधर जाएगा तो आपका माइनस 2 आपका यहां पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को आप देखिए, यहां पर देखिए, √2x² + 7x + 5√2 = 0 है। नंबर 3 है आपका √2x², ठीक है, +7x + 5√2 = 0। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फर्स्ट गुना लास्ट करना है। फर्स्ट आपका √2x² है और लास्ट आपका 5√2 है, कर दीजिए गुना, √2x² × 5√2, ठीक है। देखिए √2 × √2 क्या होगा, √4 हो जाएगा, गुना 5x² हो जाएगा, 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा, 2 × 5x², 2×5 = 10x². दोस्तों जब आप इसको और इसको गुना करेंगे आपका 10x² हो जाएगा। अब आपको दो संख्या के बारे में सोचना है, ठीक है, जिसको हम गुना करेंगे आपका 10x² आएगा, लेकिन जब जोड़ेंगे तो आपका बीच वाला जो है 7x ये आना चाहिए, ठीक है। अगर आप सोच पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं तो गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 10 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2×5 = 10, ठीक है, 2 और 5 आ गया है, 5 और 2 आया है, ठीक है, 5x और 2x हम ले लेते हैं, ठीक है, 5x और 2x, 5 × 2 = 10, x × x = x², ठीक है। अब देखिए 5x + 2x आपका 7x यहां पर आ गया, मतलब आपका संख्या सही है, 5x और 2x आपको लेकर चलना है, ठीक है। अब देखिए √2x² है, इसको लिख दिए, ठीक है, यहां पर आपको 5x + 2x लिख देना है, +5√2 आपको लिख देना है, =0 लिख दिए, ठीक है। दोस्तों अब आप आगे ध्यान दीजिए, आगे और भी काफी अच्छी बातें हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। देखिए इस दोनों में और इस दोनों में, सबसे पहले आप यहां पर देखिए इसमें और इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों में है। यहां पर 2x है, यहां पर 1x है, कम से कम 1x आपका कॉमन आ गया, ठीक है, बाकी √2 है, 5 है, कॉमन नहीं आएगा। अब देखिए ये जो आपका x है, ठीक है, ये कॉमन आ चुका है, बचा क्या, बचा आपका √2 बचा है और 1x बचा है, लिख दिए प्लस। यहां पर देखिए ये x आपका कॉमन आ चुका है, बचा क्या, 5 बचा है, इसको लिख दिए, हो गया हमारा। अब देखिए दोस्तों ये जो 2 है, ये 2 इसमें क्या √2 छुपा है। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, यहां x है, यहां पर x है क्या, नहीं है, मतलब x कॉमन नहीं आएगा, बाकी 2 है और √2 है। दोस्तों क्या इस 2 में √2 छुपा है, आप यहां पर देखिए दोस्तों, क्या हम 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं। देखिए ये जो आपका 2 है, क्या इसको हम √2 × √2 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, आप सॉल्व करके देख लीजिए। देखिए जब आप √2 × √2 करेंगे, आपका 2 × 4 √4 आएगा,
और रूट चार का वर्गमूल आपका 2 आ जाएगा, यानी आप 2 को रूट 2 और रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है, रूट 2 गुना रूट 2। अब देखिए यहां पर आपका 2 में, यहां पर देखिए ये जो 2 है इसमें रूट 2 और रूट 2 है, ठीक है, और यहां पर आपका एक तो रूट 2 है, यानी दोनों में आपका रूट 2 है, तो आपका रूट 2 कॉमन आ जाएगा, रूट 2 को आप प्लस रूट 2 कॉमन ले लिए, ठीक है, बाकी अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। दोस्तों इस 2 में जो है, 2 में से आप यहां पर देखिए, इस 2 में से रूट 2 को आप कॉमन ले चुके हैं, बचा क्या आपका, बचा आपका रूट 2 बचा है, एक तो बचा है ना, उसको आप यहां पर लिख दीजिए, लिख दिए, और ये जो x है ये भी आप यहां पर लिख दीजिए, यहां तक कंप्लीट हुआ। अब आगे आप ध्यान दीजिए, देखिए प्लस है, प्लस दे दिए, ठीक है, ये रूट 2 आपका यहां पर कॉमन आ चुका है, बचा क्या, 5 बचा है, 5 हम लिख दिए, बराबर 0 हो गया, ठीक है। दोस्तों ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला क्या एक ही चीज है ना, एक ही चीज है, मतलब क्वेश्चन आपका सही बना है, ठीक है। अब जो बाहर है सबसे पहले उसे ले लीजिए, x बाहर है और रूट 2 बाहर है, x प्लस रूट 2 आपका आ गया, ठीक है। दूसरा देखिए, इस दोनों में से आपको एक ठो ले लेना है, ठीक है, दोनों नहीं लेना है, एक लेना है, रूट 2 प्लस 5 आप ले लीजिए, रूट 2 प्लस 5 बराबर 0 ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, x प्लस रूट 2, x प्लस रूट 2 बराबर 0, x बराबर माइनस, यहां पर माइनस रूट 2 आपका हो गया, ठीक है, यहां पर आपका x छूट गया है, रूट 2 x प्लस 5 होगा, ठीक है, रूट 2 x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है, रूट 2 x बराबर आपका माइनस 5 होगा, और x बराबर माइनस 5 बटा रूट 2 आपका यहां पर आंसर आ गया, x बराबर माइनस 5 बटा रूट 2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप चाहे तो यहां पर हर परिमेयकरण कर सकते हैं, देखिए माइनस 5 बटा रूट 2 है ना, इसका आप हर परिमेयकरण कर लीजिए, तो रूट 2 नीचे है, रूट 2 गुना रूट 2 कर लीजिए, तो माइनस 5 रूट 2 बटा रूट 2 गुना रूट 2 आपका 2 हो जाएगा, आपका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। यहां पर देखिए आप दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, 4 है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, पहले देखिए इस क्वेश्चन में ना आपका यहां पर बटा में आ गया है 1/8, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इसको हम 1/8 जो है बटा एंड बटा, इस बटा को खत्म कर देंगे हम, कैसे करेंगे, यहां पर देखिए ये जो आपका 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 है, इस सब में आप 8 से गुना कर दीजिए, ठीक है, इन सभी में आप 8 से गुना कर दीजिए, क्योंकि हमको बटा खत्म करना है, आपका बटा खत्म हो जाएगा। देखिए यहां पर देखिए 8 गुना 2 16 x² इसको लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 8 गुना माइनस एक्स तो माइनस 8 एक्स हो गया, 1/8 गुना एक्स, सॉरी 8 क्या होगा, 1/8 गुना 8 क्या होगा, 1/8 गुना 8 क्या होगा, 8 8 कटा बचा 1 होगा, यहां पर आपको 1 लिख देना है, बराबर आपका 0 है, 0 लिख दिए, ठीक है, सिंपल सा है, सिर्फ गुना करना है, 8 से इसको 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 तीनों को गुना कर दिए, आपका ये जो है ये आ गया है, ठीक है। भिन्न जो है ना इसको हटा देना अच्छा रहता है, ताकि क्वेश्चन ना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको फिर वही काम करना है, फर्स्ट गुना लास्ट, फर्स्ट आपका 16x² है,
16 एक्स स्क्वायर है, लास्ट आपका एक है दोस्तों, 16 एक्स स्क्वायर गुना एक आपका वही 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, अब सोचना है, क्या सोचना है, सोचना है दो संख्या के बारे में, ठीक है। जब हम उसे गुना करेंगे आपका 16 एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे आपका -8x आना चाहिए। सोच पा रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं तो गुणनखंड निकाल लीजिए, 16 का आप गुणनखंड निकाल लीजिए, ठीक है। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4। देखिए दोस्तों, हमको दो संख्या चाहिए, लेकिन यहां पर 1 2 3 4 चार संख्या आ गया है, तब आपको दिमाग लगाना है और इस चार संख्या से दो संख्या बनाना है। देखिए 2 × 2 = 4, ठीक है, 2 × 2 = 4, 4x और 4x हम लेंगे, लेकिन यहां पर देखिए माइनस है ना, तो -4x - 4x दोस्तों, -4 × -4 आपका +16 हो जाएगा। देखिए 4 × 4 = 16, -± + ठीक है, x × x एक्स स्क्वायर हो गया ना, -4x - 4x आपका -8x हो गया, यानी यहां पर -8x जो है ना, इसके बदले में आपको -4x और -4x लिख देना है। 16x² - 4x - 4x + 1 = 0, यहां तक आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, आगे आपको पता है कॉमन लेना है, ठीक है, इसमें और इसमें। देखिए इस दोनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है दोस्तों, पहले तो आपका x आ जाएगा, x ले लिए, ठीक है दोस्तों। क्या इस 16 में 4 छुपा है, 16 में 4 छुपा है, देखिए तो 4 × 4 16 होता है ना, यानी यहां पर 4 जो है, 4 आपका कॉमन आ जाएगा, 4 इस 16 में भी है और यहां पर तो है ही, आपको दिख रहा है यहां पर आपका 4 कॉमन आ गया, ठीक है दोस्तों। जब इस 16 से 4 कॉमन आ गया है, बचा क्या, तो बचा आपका 1 × 4 बचा है, उसको लिख दीजिए यहां पर। देखिए 2 × x में से 1x कॉमन आ गया है, बचा क्या, 1 × x बचा, बाकी जो -4x है, ये 4 कॉमन आ गया, ये x कॉमन आ गया, बचा क्या, कुछ नहीं बचा, 1 बचा है ना, तो -1 आपका हो गया, 4x × -1 -4x आ रहा है आपका, हो गया ना। अब देखिए दोस्तों, कौन सी ऐसी संख्या है जो इसमें भी है इसमें भी है दोस्तों, ऐसी कोई संख्या आपको नहीं दिख रही है जो इसमें भी है और इसमें भी है। देखिए तब क्या करेंगे, तब हम 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि 1 ऐसी संख्या है जो सभी में रहता है, आप 1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। जब आप 1 कॉमन लेते हैं, इसे सेम टू सेम यहां पर 4x है, 4x आप लिख दीजिए, और यहां पर -1 आप लिख दीजिए, -0। आप चाहे तो गुना करके चेक कर सकते हैं, -1 × 4x -4x हो गया, -1 × -1 यहां पर आपका 1 आ गया ना, सेम है। अब देखिए दोस्तों, ब्रैकेट के जो बाहर है ये है और ये है, इसको आप पहले ले लीजिए, 4x - 1 4x - 1, ठीक है। ब्रैकेट के जो अंदर है, अंदर वाले में से सिर्फ एक तो आपको लेना है, 4x - 1 4x - 1 आपका आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 4x - 1 4x - 1 = 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक उधर जाएगा, एक हो गया x बराबर 1/4 हो गया, ठीक है, x बराबर 1/4 आपका हो गया। अब देखिए
चार एक्स माइनस एक है, चार एक्स माइनस एक बराबर जीरो, दोनों एक ही चीज है तो सेम वही प्रोसेस होगा, बराबर एक हो गया, एक्स बराबर एक बटा चार हो गया, एक बटा चार यहां पर लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर एक बटा चार, एक बटा चार वही चीज आ गया है। ठीक है अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर पांच सॉल्व करेंगे। ठीक है आप इसे देखिए, क्वेश्चन है आपका पांच नंबर, 100x² - 20x + 1 = 0। ठीक है इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट गुना लास्ट करना है। ठीक है फर्स्ट आपका 100x² है, लास्ट आपका 1 है, 100x² * 1 आपका क्या होगा, आपका 100x² ही होगा। ठीक है एक से गुना करने के बाद कुछ नहीं बदलता है, जो रहता है वही रहता है। ठीक है कुछ नहीं बदलेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको सोचना है। ठीक है दो संख्या के बारे में सोचना है जिसको हम गुना करेंगे तो आपका 100x² आएगा, लेकिन जब जोड़ेंगे आपका -20x आएगा। ठीक है आप इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, अगर आप सोच पा रहे हैं तो काफी अच्छा बात है, नहीं तो गुणनखंड निकालिए। 100 है ठीक है, 2 से 2 5 10 0, 2 से 25 हो गया, 5 है 25 हो गया। ठीक है 2 2 5 5 आपके सामने चार संख्या है, गुणनखंड निकालने आई थिंक आपको आता होगा। ठीक है दोस्तों आपके सामने चार संख्या है, अब इस चार संख्या को आपको दिमाग लगाना है और दो संख्या बना देना है। 5 और 2 लेते हैं, 5 × 2 आपका 10 हो गया, और 2 और 5 2 × 5 = 10 हो गया, 2 5 और 2 5 को मिला दिए और 10 10 बढ़ा दीजिए। ठीक है 10x 10x माइनस भी लीजिए। ठीक है माइनस में देखिए 10 × 10 100 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, प्लस तो हम लिखते नहीं है, x × x x² हो गया, -10x - 10x आपका -20x हो जाएगा, मतलब आपका -10x और -10x आपका आ चुका है। ठीक है अब देखिए आप आगे क्या करते हैं, 100x² इसको लिख दिए। ठीक है -10x - 10x + 1 = 0 लिख दिए। ठीक है दोस्तों इसमें से आपका 1x जो है वो कॉमन आ गया। ठीक है 100 में आपका 10 छुपा हुआ है, 10 × 10 100 में आपका 10 × 10 जो है, यानी 10 जो है आपका छुपा हुआ है, तो यहां पर आपका 10 जो है कॉमन आ गया। ठीक है 100 में से आप 10 कॉमन ले लिए, 1 × 10 आपका बच्चा है उसको लिख दिए, और 1 × x आपका बच्चा है उसको लिख दिए, 10x है टोटल कॉमन आ गया है। अब क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, माइनस है माइनस दे देंगे। ठीक है आगे आप ध्यान दीजिए, आगे क्या कहता है दोस्तों देखिए, ये 10x है और 1 है, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो दोनों में है, तब क्या करेंगे, तब 1 कॉमन लेंगे, आप 1 - 1 कॉमन ले लीजिए। ठीक है तो यहां पर 10x है, 10x आपका हो गया, माइनस आपका यहां पर 1 है, 1 हो गया। ठीक है आप इसको गुना करेंगे आपका ये आ जाएगा, -1 × 10x - 10x - 1 × -1 + 1 हो गया। ठीक है बराबर आपका 0 हो गया। ठीक है 10x और -1 ये बाहर में है, तो बाहर वाला को आप ले लीजिए, तो 10x - 1 आपका आ गया, और अंदर में जो है ना इसमें से आपको 1 लेना है, 10x - 1 ले लिए, 10x - 1 ले लिए। ठीक है बराबर 0 हो गया। अब देखिए 10x - 1 है, 10x - 1 है, सेम सेम दोनों है,
सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1 बटा 10 हो गया। ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक मुझे ये समझाना नहीं पड़ेगा, ओके। अब देखिए, बताता हूँ देखिए दोस्तों, 10x माइनस 1 है बराबर 0, ये एक उधर गया, प्लस में हो गया, प्लस नहीं लिखते हैं, ठीक है। और ये 10 गुना में है, उधर गया, भाग में आ गया। सेम वही करना है आपको, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1 बटा 10, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब तो क्वेश्चन नहीं बचे हैं दोस्तों, नंबर 2 जो है, ठीक है, उसका वीडियो मैं बनाऊंगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। थैंक यू।